नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एवरेज इंडियन चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में वर्ष 2020 के बजट के बाद। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं नए इनकम टैक्स स्लैब्स, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दिया है ये बोल के कि जो करदाता है वो चाहे तो पुराने स्लैब में भी रह करके अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकता है या फिर नए स्लैब के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकता है। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों करा है? क्या सच में टैक्स कम हुआ है? क्या नई स्कीम से टैक्स पे करने में आपको फ़ायदा है या पुरानी स्कीम में ही आपको रहना चाहिए? ये सारी की सारी चीज़ मैं आज इस वीडियो में आंसर करूंगा। तो इस वीडियो में हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। पहली चीज़ बताएंगे आपको क्या है डिफरेंस पुराने और नए टैक्स स्कीम में, क्या बदला है। दूसरी चीज़, मैंने बनाया है एक कैलकुलेटर जहां पर हम अलग अलग लेवल की सैलरीज डाल के आपको बताएंगे कि क्या आपको नई टैक्स स्कीम में स्विच करना चाहिए या पुरानी टैक्स स्कीम पे ही रहना चाहिए। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके के डिडक्शंस करते हैं उस पर भी। तो डिटेल में अलग अलग सिनारियोज, अलग अलग सैलरीज को हम वहाँ पर डाल के देखेंगे। और तीसरी चीज़ दोस्तों, वो कैलकुलेटर मैं आपको भी दे दूंगा इस वीडियो के अंत में, ताकि आप भी उस कैलकुलेटर पे अपनी सैलरी, अपने डिडक्शंस डाल के देख पाएँ कि आपको पुरानी स्कीम में रहना चाहिए या नई स्कीम में जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू स्लैब की। क्या था ब्रैकेट टैक्स का ओल्ड स्लैब में, क्या है न्यू? ओल्ड तो आप दोस्तों जानते ही होंगे, 0 से 2.5 लाख 0% था, 2.5 से 5 लाख 5% था। लेकिन अगर टोटल सैलरी 5 लाख से कम थी तो फुल रिबेट था, यानी कि 5 लाख की सैलरी पे 0 टैक्स पड़ा करता था। 5 से 10 लाख की जो सैलरी होती थी उसमें 20% टैक्स पड़ता था, और साथ ही साथ इस टाइम पे आपको 2.5 से 5 में भी 5% टैक्स देना पड़ता था। और 10 लाख से प्लस की सैलरी में इन दो के ऊपर 30% टैक्स पड़ता था, जितना भी 10 लाख से ऊपर का अमाउंट होता था। अब मेन डिफरेंस ये था दोस्तों कि पुरानी जो सैलरी होती थी, जो टैक्सेबल सैलरी होती थी, वो कैलकुलेट करने से पहले उसमें से कुछ डिडक्शंस को हटा दिया जाता था। यानी कि जो आपका नेट कंपनी का सैलरी होता था उससे कुछ अमाउंट अपने आप कट जाता था डिडक्शंस के नाम पे, और आपकी टैक्सेबल सैलरी कम हो जाती थी। ये डिडक्शंस क्या क्या थे? ये थे LTA, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ATC के अंदर जो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, जो PPF अकाउंट है, जो LIC हैं, जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सब के सब ATC में आते थे। मेडिकल का जो है वो ATD में आता था। इसी तरीके से घर अगर आपके पास है, हाउसिंग लोन आपने लिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो भी कुछ हद तक टैक्स फ्री हुआ करता था। तो ये सब डिडक्शंस में होते थे। इन सबको माइनस करने के बाद आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाती थी जिस पर की टैक्स लगता था। नई स्कीम क्या है दोस्तों? नई स्कीम 0 से 2.5 लाख वही 0%, 2.5 से 5 लाख 5%, लेकिन फुल रिबेट है अगर 5 लाख से कम की सैलरी है, यानी 5 लाख तक 0 टैक्स। अब चेंज हुआ है 5 से 7.5 के बीच में। 5 से 7.5 की अगर आपकी सैलरी है तो जो 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है उसमें 10% टैक्स लगेगा, और 2.5 से 5 लाख जो कि 2.5 लाख रुपए का अमाउंट है उसमें 5% टैक्स लगेगा। 7.5 से 10 लाख तक की सैलरी पे जो है 10% का टैक्स लगेगा। 7.5 से 10 लाख तक की जो सैलरी है उसमें 15% का टैक्स लगेगा। 10 से 12.5 की सैलरी में 20%, 12.5 से 15 में 25%, और 15 लाख से प्लस में 30%। लेकिन जो सबसे मेजर यहाँ पर कैच है दोस्तों, वो ये है कि ये टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी डिडक्शंस अलाउ नहीं करे जाएंगे। यानी कि आपका LTA, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ATC, ATD, ये सब इस टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले जो माइनस किया जाता था वो अब अलाउ नहीं होगा, अगर आप नई स्कीम में जाना पसंद करेंगे तो। तो कौन सी स्कीम बेहतर है? चलिए दोस्तों कैलकुलेटर में चलते हैं, और आपको पहले ये कैलकुलेटर में थोड़ा सा समझा दूं, और उसके बाद देखेंगे कि अलग अलग सैलरीज पे, अलग अलग सिचुएशंस पे कौन सी स्कीम बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया है, एंटर सैलरी है, ये पीले रंग का है। इसमें आप अपनी सैलरी डालेंगे, हम भी यहाँ पर अलग अलग सैलरीज डाल के देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अपने आप हमारा टैक्स जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम भी आएगी और टैक्स भी आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए तीन कॉलम है। पहला कॉलम है न्यू स्कीम, यानी कि जो नए स्लैब आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होएगा। जो दूसरा है वो है ओल्ड स्कीम, बट जहाँ पर आप कोई भी डिडक्शंस नहीं क्लेम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आएगा और उसका टैक्स यहाँ पर आ जाएगा। ये किन लोगों के लिए अप्लाई करता है दोस्तों? ये उन लोगों के लिए अप्लाई करता है जो या तो सैलरीड नहीं है, एम्प्लॉई नहीं है, खुद का बिजनेस चलाते हैं, या फिर जो लोग ज़्यादा डिडक्शंस नहीं करवाते हैं, जिनकी कंपनी में कोई डिडक्शन नहीं होता है, प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन नहीं होता है, HRA का डिडक्शन उनको नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए ये है, ठीक है। और आखिरी दोस्तों
ये है ओल्ड लेकिन सारे डिडक्शंस के साथ। तो यहाँ पर मैंने डिडक्शंस में कुछ अजम्पशंस लिए हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये डिडक्शन हर सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है, इसके लिए उनको कुछ भी प्रूफ नहीं देना होता है। 50,000 का डिडक्शन हर किसी को मिलता है। साथ ही साथ HRA या फिर जो आप रेंट पे करते हैं और या फिर जो आप इंटरेस्ट अपने हाउस लोन में पे करते हैं, उसके लिए मैंने अमाउंट लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम करा हुआ है कि ये अमाउंट 30% ऑफ आपकी जो सैलरी है वो रहेगा, लेकिन ये मिनिमम 1 लाख रहेगा, क्योंकि 1 लाख तक HRA तो हर कोई क्लेम करता है, क्योंकि 1 लाख तक लैंडलॉर्ड का जो है वो पैन कार्ड नहीं देना होता है। तो मैंने देखा है कि हर कोई 1 लाख तक का HRA तो होकर अपना वहाँ पर हर साल क्लेम करता है। वहीं इसका मैंने मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख डाल दिया है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन होता है उसका अपर लिमिट 2 लाख रुपये होता है, लेकिन इसको और सिचुएशन में और भी चेंज किया जा सकता है एक्चुअल के हिसाब से। ATC जो है वो मैंने 15% ऑफ सैलरी लिया हुआ है, यानी कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हर इंसान अपनी सैलरी का 15% अमाउंट तो एटलीस्ट ATC में डालेगा, जिसमें कि उसका प्रोविडेंट फंड भी इंक्लूडेड होगा, साथ ही साथ जो वो LIC और PPF और इस तरीके की चीज़ें करते हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपये लिया हुआ है, क्योंकि 1.5 लाख रुपये अलाउड होता है। और LTA मैंने यहाँ पर 30,000 लिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं अलग अलग सिचुएशन में क्या रहेगा आपका टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं 5 लाख रुपए कमाने वालों के बारे में। तो जो लोग 5 लाख रुपए कमाते हैं उनका टैक्स तीनों सिचुएशन में जीरो रहेगा, उनको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वहीं जिसकी टोटल सैलरी 5,10,000 रुपए भी है, उसको अगर आप देखेंगे तो जो नई स्कीम है उसके हिसाब से उसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो होगा 14,040 रुपए। वहीं ओल्ड स्कीम में जो लोग कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम करते हैं उनको देना पड़ेगा 15,000 रुपये टैक्स, यानी कि 1,000 रुपये का फ़ायदा है न्यू स्कीम में जाने में। लेकिन जो सैलरी परस्त लोग हैं, जिनका प्रोविडेंट फंड कटता है, जो अलग अलग सेविंग्स करते हैं, जो HRA क्लेम करते हैं, उनको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो पुरानी स्कीम में सिर्फ 2.5 लाख रुपये होगी और वहाँ पर उनको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है ओल्ड से न्यू में जाने में सैलरीड लोगों को। वहीं बात करते हैं अगर किसी की सैलरी 8 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए की सैलरी वाले में भी आप देखेंगे न्यू रजीम में 46,800 रुपए टैक्स आ रहा है। वहीं ओल्ड में जो लोग नहीं डिडक्शन क्लेम करते थे उनका आ रहा है 75,000 रुपए, लेकिन जो लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं उनकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 5 ही लाख रुपए आ रही है, यानी कि उनको अभी भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान है ओल्ड से न्यू में स्विच करने वालों को, जो लोग ऑलरेडी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं 46,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले स्लैब की, कि मान लीजिए किसी की सैलरी है 12,50,000 रुपये। तो 12,50,000 में क्या होगा, देखिए दोस्तों 12,50,000 में नई स्कीम में आपका टैक्स आएगा 1,30,000 रुपये, ओल्ड विदाउट डिडक्शन में आएगा 1,95,000 रुपये, लेकिन ओल्ड विद ऑल डिडक्शंस यानी कि जो नॉर्मल हमारे सैलरीड लोग हैं उनका आएगा 1 लाख रुपये, यानी कि 30,000 रुपये का नुकसान है आपको यहाँ भी नई स्कीम में स्विच करने के लिए। चलिए चलते हैं 15 लाख रुपये की रेंज पे। और 15 लाख में आप देखेंगे कि नई स्कीम में आपका टैक्स बनता है 1,95,000 रुपये, विदाउट डिडक्शन बनता है 2,73,000 रुपये, लेकिन अगर आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो कम से कम आपको 25,000 रुपये का फ़ायदा है, क्योंकि आपका टैक्स बनना है सिर्फ 1,70,000 रुपये। आखिरी दोस्तों देख लेते हैं 20 लाख रुपये कमाने वाले लोगों के बारे में। अब 20 लाख कमाने वाले लोगों में भी अगर आप देखेंगे तो न्यू में आपका टैक्स बनेगा 3,51,000 रुपये, विदाउट डिडक्शन बनेगा 4,29,000 रुपये, लेकिन जो सैलरीड लोग हैं जो सारे डिडक्शंस क्लेम करते हैं उनका बनेगा 3,26,000 रुपये। इनफैक्ट अगर आप सोचें, अगर ये मैं यहाँ पर 2 लाख रुपये हाउस लोन का इंटरेस्ट ले लेता हूँ HRA की जगह, तो आप देखेंगे कि और भी ज़्यादा फर्क है। अब देखिए 3,51,000 वर्सेस 2,94,000, अगर 2 लाख रुपए HRA जो है वो क्लेम कर रहा है कोई इंसान, या हाउस रेंट का जो इंटरेस्ट है उसको क्लेम कर रहा है, तो काफ़ी नुकसान है सैलरीड लोगों को नई स्कीम में जाने पे ओल्ड स्कीम से। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध ये है
कि अगर आप सैलरीड हैं और ये सब डिडक्शंस आपके हैं तो आप ओल्ड स्कीम पे ही रहें इस साल के लिए। पता नहीं आने वाले टाइम पे ओल्ड स्कीम रखी जाएगी या उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, लेकिन आज इस साल पे अगर आप सैलरीड हैं और ये सारे डिडक्शंस आप मांग रहे हैं तो आपको ओल्ड स्कीम में रहने में ही फ़ायदा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को ज़रूर प्लीज़ शेयर करिए अपने और दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी कन्फ्यूज हैं टैक्स के बारे में, टैक्स डिडक्शन के बारे में, और आपको ये कैलकुलेटर कैसे मिलेगा। चलिए आखिर में ये भी बात कर लेते हैं। इस कैलकुलेटर को मैंने ऑनलाइन डाल दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो उस डिस्क्रिप्शन से इस एक्सेल फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर अपनी सैलरी को डालिए, सारे डिडक्शंस को डालिए और आपका टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, फिर मिलते हैं।